सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में सुबह हुई बरसात ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। सोनीपत शहर में बरसाती पानी की निकासी ना होने से कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शनि मंदिर के पास बने रेलवे अंडर ब्रिज पानी से लबालब भर गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा जल भराव किसी नहर या स्विमिंग पूल जैसे लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये सोनीपत शहर में शनि मंदिर के पास रेलवे अंडरपास है, जिसमें बरसाती पानी करीब 25 फीट तक भर गया, जिससे शनि मंदिर से गोहाना रोड, कोर्ट सचिवालय और पुलिस लाइन तक जाना लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया। शौकीन मलिक ने कहा कि ये समस्या हर साल आती है, कोई पहली बार नहीं आई। सोनीपत के अंदर जब भी पहली कोई बरसात होती है, आधे घंटे की बारिश सोनीपत के शनि मंदिर रेलवे अंडर ब्रिज को तालाब बना देती है और 25 फुट के करीब पानी यहां पर खड़ा हो जाता है। आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आसपास के लोग अपने काम पर नहीं जा पाते, पर यहां हर साल ऐसा ही होता है। सड़क पर मकान और दुकानों में भी पानी घुस गया है, साथ के साथ शनि मंदिर में भी पानी घुस गया। हर साल बरसात के मौसम में विधायक और अधिकारी आते हैं, सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं, समस्या का कोई समाधान नहीं होता। 25 फुट के करीब पानी इस अंडरपास में भर जाता है। प्रशासन दावे करता है कि बरसात से पहले हमने हर प्रकार की व्यवस्था कर दी है, पर ये तस्वीरें जो प्रशासन के दावों की लगातार पोल खोल रही है, जब से ये रेलवे अंडर ब्रिज बना है, बरसात में हर साल इसमें 25 फुट पानी भर जाता है। बरसात में कभी भी अंडरपास के पानी की निकासी नहीं होती, पानी निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। सोनीपत के पुरखास रोड रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे पानी लबालब भरा हुआ है और बहुत बुरा हाल है। गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, पहली बरसात में ही पानी लबालब भरा हुआ है। रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे तालाब बन गया है। हर साल बारिश के मौसम में अंडर ब्रिज के नीचे 25 फुट पानी भर जाता है। सोनीपत वासी हमेशा इस परेशानी से जूझते नजर आते हैं। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। बहुत बुरा हाल है भाई साहब, है यहाँ पे बहुत गंदगी मची हुई है, इतना पानी भर जाता है कि यहाँ तक हो जाता है। हर बार ये पानी ऐसे ही होता? बिल्कुल हर बार ऐसे ही होता है बरसात के मौसम। प्रशासन तो कहता है कि हमने बरसात से पहले व्यवस्था कर दी है। कुछ व्यवस्था नहीं हुई, यहीं पे ऐसे ही है, कहीं पे गड्ढा है, बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है यहाँ पे। ये शनि मंदिर के सामने का रोड है? हाँ यही है, बिल्कुल यहाँ पे आदमी डूब सकता है, इतना गहरा पानी हो जाता है यहाँ। जब भी जो है ना हमारी मतलब सोनीपत के अंदर पहली कोई भी बारिश हो जाए, और ठीक ठाक अगर उसको कहें के 20 से 25 मिनट के जिसे बारिश कहते हैं, वो बारिश उस तरह की अगर हो जाती है तो यहाँ जो है ना इस तरह का माहौल हो जाता है। आप देख ही रहे हैं कि 20 से 25 फुट पानी यहाँ खड़ा हो जाता है। जो हम जैसे हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं आसपास के, हमें बड़ी दिक्कतें होती हैं कि हम अपनी जॉब वगैरह पे, काम वगैरह पे नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। खैर अभी कोरोना टाइम चल रहा है, अभी स्कूल वगैरह तो बंद है, लेकिन हर साल ऐसा होता है। ठीक है, काफ़ी आप देख रहे होंगे रोड पे ये 4-5 मकान हैं, यहाँ दुकानें, इनका हर साल नुकसान होता है। पिछले साल जो है हमारे विधायक साहब भी यहाँ आए थे, पवार साहब, उन्होंने आके लोगों को आश्वासन दिया था, उसके बारे में मुझे पता नहीं कि भाई उन्होंने कुछ किया है नहीं किया। अंडरपास को तो बिल्कुल पानी टच कर गया है। जी जी जी, ये करीब 30 फुट गहरा अंडरपास है जिसको आप देख रहे हैं वीडियो में, और इससे जो है ना 2 या 2.5 फुट बचता है, उसके बाद जो है ना पूरा पानी यहाँ हो चुका है। प्रशासन तो कहता है कि हमने बरसात आने से पहले व्यवस्था पूरी कर ली है। नहीं सर, ये कहने से नहीं होता, ये तो आप देख ही रहे हैं, लाइव आप देख ही रहे हैं कि क्या उन्होंने अपनी जो व्यवस्था की है और क्या नहीं की है, ये हर साल ही होता है। ठीक है, मैं पीछे कॉलोनी में रहता हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ और बचपन मेरा यहाँ बीत गया, और अब मेरी 31 की एज हो चुकी है, कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। नहीं, इस एज के अंदर हमने देखा कि अंडरपास हमारे सामने बना, और जो है ना इसको बने भी जितना टाइम हुआ, उतने टाइम से हमने आज तक यहाँ देखा ही नहीं कि भाई यहाँ पानी कभी बरसात हुई और निकल गया। बड़ी यहाँ लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है पानी निकालने के लिए, चाहे वो नब के जो है ना कर्मचारी हों, नगर पालिका के कर्मचारी हों, या भाई आम पब्लिक हो। हम लोग कई बार खुद जो है ना यहाँ मेहनत कर करके सीवरेज वगैरह में जो है ना खोलना, ये करना, वो करना, कई तरह के हमें काम करना।